डिफोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पॉलीमैथ किसे कहा जाता है। पॉलीमैथ का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा इंसान जिसे कई अलग अलग विषयों में बहुत अधिक जानकारी हो। यानी पॉलीमैथ एक ऐसा इंसान होता है जो विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान के जटिल हिस्सों को आसानी से समझने में माहिर होता है। जोहान वॉन वॉन हैम्बर्ग का वो दार्शनिक था जिसने 1603 में पहली बार अपने शीर्षक में पॉलीमैथी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके अनुसार विभिन्न विषयों का ज्ञान सभी प्रकार के अध्ययनों के मेल से उत्पन्न होता है, जिससे मानव मन बिना थके समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाता है, उसे ही पॉलीमैथी कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में इस टर्म का सबसे पहला इस्तेमाल 1624 में रॉबर्ट बर्टन द्वारा लिखित एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली के दूसरे एडिशन में देखने को मिला। अल्बेरूनी और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसी शख्सियतों को पॉलीमैथ्स माना गया है, जिन्होंने ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पॉलीमैथ्स के अंतर्गत पुनर्जागरण और ज्ञान के महान विद्वान और विचारकों को शामिल किया गया है। इन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और कला के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पॉलीमैथ को समझने के लिए हम लियोन बतिस्ता अल्बर्टी के इस कथन को देख सकते हैं कि एक आदमी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है।